मछली बेचने वाला कुशल बढ़ियाकर साइकिल पर मछलियां बेचने के साथ साथ उपनगरों से लेकर गांवों तक के लोगों को गाने गाकर नशा करता है। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए माच नेबेन दादा माच नेबेन गान की रचना करने के लिए किया है। गाने की थाप पर डेढ़ा अपनी मछली बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों और उपभोक्ताओं ने भी उनके गाने को मशहूर किया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 48 वर्ष एक अच्छा वाद्य यंत्र है और उनका घर दुर्गापुर रोड नंबर 2 है। उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए चुना क्योंकि वह एक संगीतकार थे, इसलिए उन्होंने मछली बेची और मधुर आवाज़ में गाने गाए। वह मछली को साइकिल से इलाके में ले जाता था और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गाने गाता था। उन्होंने गाया, तेल पैन में डालें, फिर अच्छी तरह से भूनें, फिर काली मिर्च में भूनें, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें, सब कुछ जमकर एक साथ पकाया जाता है। मछली लो दादाजी मछली लेंगे। उनका ये गाना पूरे इंडस्ट्रियल एरिया और सोशल मीडिया पर लोगों के मुंह पर चढ़ गया है और आज हर कोई मेरा गाना माच नेबेन दादा माच नेबेन गान सुनना चाहता है। लेकिन वह आर्थिक तंगी में मछली बेच रहे हैं। मछली बेचने के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है। और बीजूपारा निवासी क्रेता देवव्रत साह ने कहा कि मछली बेचने के लिए उन्होंने जो गीत गाया था उसकी धुन और गीतों ने स्थानीय लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने बहुत अच्छे गीतों की रचना की है। प्रथमे कोराए तेलटा दिबेन माजी गुलो लाल कोरे भेजे निबेन तारे परे कालो जीरे फोरन दिबेन आदा रसुन पेस्ट कोरे दिए देबेन सभी किचू नेड़े चेड़े जमिए कषिए पड़े सभी किचू नेड़े चेड़े जमिए कषिए पड़े सपरिवार मिले बसे खाबेन माछ निबेन दादा माछ निबेन एमन टाटका ताजा माछ आर कोथाय पाबेन माछ निबेन दादा माछ निबेन माछ निबेन दादा माछ निबेन। প্রথমে কড়াইয়ে তেলটা দিবেন লাল করে মাছগুলো ভেজে নেবেন তারপরে কালো জিরে ফোড়ন দিবেন আদা রসুন পেস্ট করে দিয়ে দেবেন সবই কিছু নেড়ে চেড়ে জমিয়ে কষিয়ে পড়ে সবই কিছু নেড়ে চেড়ে জমিয়ে কষিয়ে পড়ে সপরিবারে মিলে বসে খাবেন মাছ নেবেন দাদা মাছ নেবেন মাছ নেবেন দাদা মাছ নেবেন এমন টাটকা তাজা মাছ আর কোথায় পাবেন মাছ নেবেন